दोस्तों रिलीज हो गया है 10वीं फिल्म। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक बच्चन की ये जो फिल्म है इसके निर्माता है तुषार जलोटा। दोस्तों ये फिल्म बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बना है, तो चलिए मैं बताता हूँ आज इस फिल्म का रिव्यू। दोस्तों ये फिल्म की कहानी एक सीएम यानी चीफ मिनिस्टर की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सीएम के रोल अदा कर रहे हैं अभिषेक बच्चन, और इस फिल्म में दर्शाता है कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी। अभिषेक बच्चन को एक करप्ट सीएम की हैसियत से दिखाया गया है जो कि हरित प्रदेश की मुख्यमंत्री है। वे शिक्षा घोटाला के आरोप में जेल चले जाते हैं। सजा मिलने के बाद अपनी पत्नी विमला, जो कि यहाँ पर नम्रत कौर अभिषेक बच्चन की पत्नी विमला की कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है और ये अभिषेक बच्चन का ही चाल रहता है। और विमला तो अब जानते हैं भारतीय नारी और देसी गाय है, गाय कम पढ़ी लिखी है, और वे जब कुर्सी में बैठ जाते हैं तो कुर्सी के लालच उनको घेर के रख देते हैं और वो सीएम की कुर्सी एंजॉय कर रही है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जेल में जो सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर गंगाराम चौधरी, उनका सामना होता है जेल की सुपरिंटेंडेंट ज्योति देसवाल से, जो कि यहाँ पर यामी गौतम उनके कैरेक्टर अदा कर रही है। एक प्रदेश की सीएम है, वह तो अपना दबदबा जारी रखने की कोशिश करेगा ही, तो गंगा वहाँ पर अपना दबदबा दिखाना चाहता था, लेकिन यामी गौतम उनको हर तरीके से नीचा दिखाते थे, यानी आप कह सकते हैं ह्यूमिलेट करते थे। उनका कहना है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ या फिर मैं मुख्यमंत्री था तो मैं तो कुछ अलग सा ही होऊंगा, लेकिन जेल सुपर का कहना है कि सभी कैदी मेरे सामने एक समान है। तो इसको लेकर उन दोनों में बहुत झड़प होता है, बहुत अनबन होता है। तो उनसे बचने के लिए यानी जो ज्योति देसवाल है उनसे बचने के लिए उपाय ढूंढने लगता है गंगा। पहले बीमारी का बहाना, और बीमारी का बहाना जब काम नहीं आया उसके बाद लाइब्रेरी जाकर 10वीं की परीक्षा देने के बहाने वहां जाकर पढ़ते रहता था ताकि ज्योति देसवाल की नजर से बचा जाए, लेकिन कोई तरफ की काम नहीं आया। बाद में वे पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और वे ठान लिया और ऐलान कर दिया कि मैं 10वीं पास करके रहूंगा, और 10वीं पास नहीं किया तो मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। और वहां पर विमला जो कि गंगा की पत्नी है, वे अपनी कुर्सी किसी को भी देना नहीं चाहती थी, या तक कि अपने पति को भी नहीं। तो गंगा को समझ आ गया था कि वे अगर पास कर जाते हैं तो वे सीएम की कुर्सी पे आके बैठ जाएंगे। तो विमला भी षड्यंत्र करना शुरू कर दिया कि गंगा किसी भी तरह परीक्षा में पास ना हो, 8वीं पास गंगा 8वीं पास ही रहे। तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया था चाल। तो आगे जाकर क्या गंगा 10वीं पास करेंगे, क्या वे सीएम की कुर्सी पे वापस आएंगे, और उनके पत्नी विमला वे क्या अपनी कुर्सी छोड़ देंगे अपने पति के लिए, यहाँ पर ज्योति देसवाल का भूमिका क्या रहेगा, सब कुछ जानने के लिए आपको देखना होगा ये मूवी जो कि बहुत अच्छा बना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, इनको 3 स्टार मिला है आउट ऑफ 5। ये मूवी एक बार तो देखने लायक जरूर है, आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं और जियो सिनेमा में फ्री में देख सकते हैं आप ये मूवी। तो क्या दोस्तों ये फिल्म आप देखना पसंद करेंगे? लगभग 130 मिनट का रन टाइम है यानी लगभग 2 घंटे का। अब ये फिल्म देखेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कॉमेंट का।